शनि पीड़ा से आप अर्थ से बहुत ज्यादा पीड़ित है। यदि आपके धन नहीं रुक रहा है तो आप सात मुखी शनि का जो रुद्राक्ष रहता है वह भी आप सिद्ध करवा के काली गोप के अंदर अपने गले में इस प्रकार से धारण करें कि वह आपके हृदय के आसपास स्पर्श उसका करता रहे, तो भी शनि की जो कुदृष्टि है वह आप पर कम होगी और अर्थ की जो रोक लगी है आप पर वह दूर होगी। साथ साथ दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर जो आप यदि वहां पे दर्शन करते हैं, वहां पर चने चिरुंजी का प्रसाद चढ़ाते हैं या हनुमान जी के सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं तो भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनि, भैरव और हनुमान जी, इन तीनों का एक समायोजन है जो कलयुग के तीनों जागृत देव हैं। इनका यदि अपन पूजन करते हैं किसी का भी कहीं से भी तो भी शनि की जो कुदृष्टि है वह जातक के ऊपर नहीं पड़ती, देखी जाती है। हनुमान चालीसा भी यदि आप करते हैं तो भी आपके लिए शनि बहुत प्रसन्न हमेशा रहेंगे, आप पर कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इसीलिए शनिवार के दिन भी हनुमान जी के मंदिर में भीड़ देखी जाती है, उसका यही कारण है क्योंकि शनि का हनुमान जी का तो मंगल होता है, लेकिन शनिवार के दिन भी जो भीड़ रहती है वह यही कि शनि और हनुमान जी का आपस में एक प्रकार का समझौता है कि जो यहाँ पे जाएगा उसको मेरा कुछ नहीं होगा, जो वहां पर जाएगा उस पर मैं अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। तो इस प्रकार से भी यदि आप कर सकते, किसी के हक का शोषण न करें, शनि जो चाहता है वैसे कार्य करें, तो शनि से आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं। यदि किसी के हक का आपने शोषण करा तो शनि आप पर जरूर न्याय करेंगे। आज नहीं तो जब उनकी महादशा आएगी, जब उनकी अंतरदशा आएगी, जब उनकी दहिया आएगी, जब उनकी साढ़े साथी आएगी तो शनि न्याय करेंगे ही। वहां पर कोई रिश्वत का काम नहीं चलता है। लेकिन यदि आपसे कोई गलती हो भी गई है और तो भी आप वहां पर जाकर शनि के सामने, जिस प्रकार से न्यायाधीश के सामने जाकर हम अपनी गलती मान लेते हैं तो वह हमारी जो सजा है उसमें भी कमी कर देते हैं, तो वैसे ही शनि के मंदिर में जाकर शनि देव के चरणों में आप यदि अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और आइंदा इससे उस गलती को नहीं दोहराने की बात करते हैं तो आप पर भी और शनि प्रसन्न जरूर होंगे और आपकी जो सजा है और जो आपको अभी पीड़ा चल रही उसमें अवश्य राहत प्राप्त होगी।